वेलकम गाइस, कैसे हो आप? सो उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। नेपाल ट्राई सीरीज का ये फर्स्ट मुकाबला कवर करें, नेपाल वर्सेस यूएई के बीच में ये मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में हम डीपली एनालिसिस करेंगे किस प्लेयर को यहाँ से हमें स्मॉलेस्ट टीम्स में पिक करके चलना है, किस प्लेयर को ग्रैंडीज के टीम्स में ट्राई करना, और जो भी इनकी बैटिंग ऑर्डर विथ प्लेइंग 11 रहेंगे ये सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे ट्रम्प प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी जानेंगे, तो वीडियोज़ को एंड तक देखो ताकि ए टू जेड इस मैच से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल्स में जान पाओ, जो आपको विनिंग को काफ़ी आसान बना देंगी। तो एंड तक देखना। देखोगे तो गाइज ये जो वेन्यू है इनका, मोलपानी क्रिकेट ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा, जो कि एवरेज स्कोर आपको 140 से 160 के आसपास में स्कोर बनते दिखेंगे। और ये मैच 12:45 पर स्टार्ट हो रहा है, और हमेशा की तरह जो हमारा सजेशन रहता है कि स्मॉल लीग्स में इन्वेस्टमेंट करो तो फिर कॉन्टेस्ट पहले से ज्वाइन करके रखा करो, इससे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा जो कंपटीशन लेवल है वो गाइज आपको काफ़ी लो मिलेंगे। तो इस मैच की जो पिच कंडीशन है देखोगे तो एक तरह से बैलेंसड ही दिखेंगे, जहाँ पे पेसर्स को अच्छे विकेट्स मिले तो बैटिंग ऑप्शंस टॉप ऑर्डर के ज़्यादा प्लेयर्स अच्छे स्कोर कराएंगे, बाकी के जो भी बॉलिंग है वो पेसर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखना, बाकी के इनकी हेड टू हेड कुछ मुकाबले खेले गए। देखोगे तो नेपाल ने फर्स्ट इनिंग बैटिंग करते हुए चेजिंग करते हुए गाइज 107 पे 10 विकेट खोए थे टोटल 18 ओवर्स में। वही अगर फर्स्ट इनिंग में देखो तो यहाँ पर जो यूएई की टीम थी वहाँ पे 175 पे 7 विकेट, इनकी फर्स्ट इनिंग बैटिंग औसत अच्छी है, और बाकी दूसरे मैच में भी वही चीज़ें देखने को मिले। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कराते हुए यहाँ पर यूएई की टीम ने 192 पे 3 विकेट, और यहाँ पर नेपाल देखोगे तो 167 पे 5 विकेट। तो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग टीम आपको यूएई की टीम ही दिखेंगी। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे जो नेपाल की टीम है इनकी प्ले स्टैटिस के बारे में, इन सभी चीज़ों से पहले जितने लोग भी अभी तक हमारे फैंटेसी क्रिक फैन टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से ज्वाइन करना। जो भी हमारी अपडेटेड टीम्स होती हैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट्स कर देते हैं, और जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना, डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही जुड़ो ताकि आप सब हमारे रियल चैनल पर जुड़ोगे। देखो हमारे नाम से बहुत सारे स्कैम और लोग फ्रॉड कर रहे, तो रियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितने लोग भी अभी तक नहीं जुड़े जल्दी से ज्वाइन करें, टॉस के बाद आपको फाइनल टीम्स टेलीग्राम पर ही देंगे। अब नेपाल की टीम की ओर से कुशल भारत नजर आएंगे, ये राइट हैंडर बैट्समैन है, 37 मैचेस टोटल 772 रन 21 का औसत जिसमें 41 विकेट थे। रिसेंट फॉर्म 2-0, इससे पहले 38, उसके बाद 15 एक आया था, 33-8 इस तरह से इनकी बैटिंग औसत रहा था। तो रिसेंट के फॉर्म में अच्छे टच में चलो, वैसे भी ये ओपनिंग है खास करके, देखो ये टच में चल रहे, अभी रिसेंट फॉर्म अच्छा है इनके पास, एज अ प्लेयर इनको टीम्स में लेकर जाओ। आसिफ सिंह की बात करेंगे तो ये विकेट कीपिंग रहते हैं, 36 मैचों में टोटल 1073 रन 33 का औसत है। रिसेंट के फॉर्म में 19-0-1, इससे पहले डक पर भी आउट हुए थे गाइज। इनकी जिस तरह से फॉर्म है ना बैटिंग से, वो ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादातर सेफ रहेंगे। देखो अगर फर्स्ट इनिंग में टीम इनकी बैटिंग कराएंगे तो एज अ रिस्क आप ले सकते हो, ये आपको विकेट कीपिंग ऑप्शन से दिखेंगे। अभी इन दोनों ही बैटिंग में से हम किसी एक प्लेयर्स के साथ जाएंगे, वो कुशल भारत रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो संदीप ज्वारा की बात करेंगे गाइज, तो ये राइट हैंडर बैट्समैन, इनका कुछ हाल ही में खेला गया रिसेंट फॉर्म है, जहाँ पे इससे पहले 1-3-5 इस तरह से 28 का स्कोर, तो कुछ भी अच्छा इनका रोल रहा नहीं। अभी इनको ड्रॉप करेंगे, रोहित को टीम से रखना को तो आप रिस्क ले सकते हो, 45 मैचों में टोटल 1325 रन जिसमें 37 का औसत है। ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि दोस्तों रिसेंट फॉर्म 27-23 इससे पहले 42, उसके बाद 16-77 का स्कोर था। तो बैटिंग से औसत बेहतरीन है, जो आपको 20 या फिर 30 प्लस इनके एवरेज स्कोर नजर आएंगे, तो एज अ प्लेयर टीम्स में इनको जरूर से पिक करना। कुशल माला ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग है, 21 मैचेस टोटल 514 रन 27 के एवरेज जिसमें 18 विकेट थे। रिसेंट के फॉर्म में बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही अच्छी दिखेंगी, जिसमें अगर आप देखोगे तो इनकी हाल ही में खेले गए ओडीआई फॉर्म था, इससे पहले भी T20 के अंदर इनका अच्छा रोल रहा था, टीम्स में जरूर से इनको ट्राई करके जाना। और इनके अलावा गाइस यहाँ पर देखोगे तो अविनाश वोरा का भी वही हाल है, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग है, 42 मैचेस टोटल 21 रन जिसमें 248 विकेट इनके थे। थोड़ी सी बॉलिंग इंपॉर्टेंट है, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग करा रहे, एज ए डिफरेंशियल रिस्क लेना हो तो आप इन पर टीम्स में रिस्क ले सकते हो, जो कि ये ज़्यादातर ग्रैंड लीग के इंपॉर्टेंट रहेंगे। दीपेंद्र सिंगारी ये टीम के हमारे मेन ऑलराउंडर से, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग करा रहे, 44 मैचों में 696 रन जिसमें 18 का एवरेज और 32 विकेट थे। रिसेंट फॉर्म 12 का स्कोर विकेटलेस थे, इससे पहले भी इनकी ओडीआई मुकाबले में भी अच्छे टच में चले, T20 के भी आप कुछ रिसेंट हम इनकी देख सकते हैं। तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह आर्य को टीम्स में ट्राई करके जाएंगे। शुभाला किमी भी वही हाल है, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग है गाइस, 45 मैचों में टोटल 61 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 3 विकेट है, इससे पहले विकेटलेस 3 विकेट है, 1 विकेट है, 1 विकेट है। तो शुभाला किमी के जवाब जो स्टैट्स है ना गाइस, वो बॉलिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीम्स में एज अ प्लेयर इनको लेकर जाएंगे। बाकी गुलशन झा रिसेंट फॉर्म, कुछ भी अच्छा रोल इनके पास रहा नहीं, अभी ड्रॉप करेंगे, ग्रैंड लीग के लिए ज़्यादातर ये सेफ है, तो जीएल वगैरह अगर आप खेल रहे हो तो वहाँ पर रिस्क ट्राई करना। इनके अलावा जो केशी करण है,
इनकी बॉलिंग इंपॉर्टेंट दिखी। अभी हाल ही में खेले गए एक ओडीआई मैच में 3 विकेटे था। इससे पहले ये T20 के अंदर विकेटलेस विकेटलेस 1 विकेटे 1 विकेटे। तो केशी करण एज अ सेफ प्लेयर से अगर आप टीम्स में रिस्क लेना चाहो तो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बाकी इनके अलावा ललित की अगर हम बात करें 17 मैचेस 20 विकेटे, रिसेंट फॉर्म 2 विकेटे 1 विकेटे 1 विकेटे। इससे पहले भी हाल ही में खेले गए इनका रिसेंट T20 फॉर्म आप देख ही रहे हो। तो अच्छे टच में चले ग्रैंडिस के लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। बेंच ऑप्शंस में से जो भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलेंगे सभी प्लेयर्स का स्टैट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कराएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। फाइनल अपडेटेड टीम्स के लिए एक्टिव रहना। बाकी अगर हम बात करेंगे यूएई की टीम के बारे में, देखो यूएई को इस मैच में जीतने के हाईएस्ट चांसेस है। अब देखोगे तो इनके टीम के ओर से आर्यन शर्मा नजर आएंगे, ये विकेट कीपिंग कराते हैं। T20 के 3 मैचेस 76 रन और रिसेंट फॉर्म 10, इससे पहले 1-29, उसके बाद 30 और 52 का स्कोर था। तो वैसे भी आर्यन के पास जो स्टार्ट से बैटिंग से अच्छा है और प्लस पॉइंट्स को आपको भी ये विकेट कीपिंग भी कराएंगे, तो टीम स्पिन को पिक करके जाएं। वशीन मोहम्मद जो कि टीम के एक कैप्टनसी कर राइट हैंडर बैट्समैन, T20 के 26 मैचेस 1005 रन 40 का औसत, रिसेंट फॉर्म में 46 31 74 60, इस तरह से बैटिंग से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म। कैप्टन वगैरह भी करना चाहो तो आप स्मॉलिंग में इनको करके जा सकते हो। खलील सहाय लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, डोमेस्टिक T20 के 38 मैचेस 783 रन जिसमें 21 का औसत। आशिफ खान जो कि राइट हैंडर बैट्समैन T20 के 3 मैचों में 72 रन, और दोनों ही बैटिंग में से किसी एक प्लेयर्स को यहाँ से हम टीम्स में लेकर जाएंगे। चाहे आप आसिफ खान के साथ जाओ या फिर खलील शाह के साथ जाओ, इन दोनों में से किसी एक को तो रखेंगे। बाकी जो कैसे यहाँ पर एलिसान का तो कुछ भी अच्छा स्टार्ट्स नहीं है, 9 मैचों में सिर्फ 45 रन, अभी ड्रॉप करेंगे। ग्रैंडलीज के आप टीम्स में रिस्क ले सकते हो। बाकी जो बशीर अहमद है ये कैस बॉलिंग बैटिंग दोनों कराते हैं, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट टाइम ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है। T20 3 मैचेस टोटल 329 रन जिसमें 15 का एवरेज और 17 विकेट थे। रिसेंट फॉर्म 36 का स्कोर, विकेटलेस इसे पहले 3 और उसके बाद ये फ्लॉप थे। हालांकि गाइस इनके पास मौका नहीं मिला बैटिंग से और बॉलिंग कराने की, शायद इस मैच में अच्छे टच में चले क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं जो कि अभी यूएई की ओर से नहीं भी खेल रहे हैं। वली नसीर को टीम्स में ले सकते हैं जो कि टीम की ये मेन बॉलिंग है। T20 2 मैचों में 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस, इससे पहले 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, तो बॉलिंग से एक आउटस्टैंडिंग फॉर्म, इनको यहाँ से लेकर जाएंगे। इनके अलावा यहाँ पर जो यान खान है राइट एंड ऑफ ब्रेकर बॉलिंग है, T20 के 11 मैचों में 8 विकेट, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस 1 विकेट 1 विकेटलेस, ग्रैंडलीज के ट्रम्प प्लेयर्स रहेंगे। इनके प्लेस पर अभी हम सिद्दीकी को टीम्स में रखेंगे जो राइट मीडियम फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं। T20 के 33 मैचों में 41 विकेट, रिसेंट फॉर्म विकेटलेस 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, अच्छे टच में चले, टीम्स में इनके साथ ही रिस्क लेंगे। जवादुल्ला जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग है 3 मैचेस 4 विकेट, जौहर खान जो 45 मैचों में 54 विकेट, आप रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं। दोनों ही प्लेयर्स में से किसी एक को रिस्क लेंगे अगर फर्स्ट टीम में टीम इनकी बॉलिंग कराती है, तो दोनों ही प्लेयर्स इस मैच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये चीज़ें रहेंगे। बाकी बेंच ऑप्शंस में से जो भी प्लेयर यहाँ से इनके खेलेंगे सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे। अब टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस अगर हम यूएई की बात करें तो आर्यन शर्मा रहेंगे, दूसरे ऑप्शंस वसीम अकरम, और तीसरे प्लेयर्स के तौर पर इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना। चौथे ऑप्शन यहाँ पर बशीर अहमद रहेंगे, पांचवे ऑप्शन नासिर नसीर के साथ जाएंगे, इनके अलावा छठवें ऑप्शन जुनैद सिद्दीकी रहेंगे, सातवें ऑप्शन इन दोनों में से किसी एक जौहर खान को हम रिस्क लेकर चलेंगे। बाकी के प्लेयर्स जो भी खेलते हैं अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर लेना। अभी चलते हैं गाइज अपनी टीम्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। गाइज देखो पूरी तरह से डिफरेंशियल आर्यन शर्मा को लेकर जा रहे हैं, 51% लोगों ने टीम्स में इनको पिक किया। बाकी अगर आप चाहो तो सिलेक्शन बेसिस वाली टीम क्रिएट कर रहे हो तो आसिफ सिक के साथ भी जा सकते हो। बैटिंग ऑप्शन से भी सेफ है, ऑलराउंडर ऑप्शन से भी हमने यहाँ पर एक ऑप्शन के साथ रिस्क लिया है जो कि अगर आपको कुशल के साथ जाना होगा तो ये डिफरेंशियल रिस्क आप ट्राई करना। बाकी मेरे सजेशन से ये सेफ टीम है। जो भी चेंजेस होते हैं अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। वसीम मोहम्मद हमारे टीम्स के कैप्टन रहेंगे, वाइस कप्तान दीपेंद्र सिंह आर्य के साथ जाएंगे, तो ये सेफ कॉम्बिनेशन है। और सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट भी, फाइनल टीम्स के लिए टेलीग्राम के साथ जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइज आपको लिंक मिलेगा। अभी मिलते हैं मैच टाइम। अगर आप ग्रैंड लीग्स वगैरह खेल रहे हो तो वहाँ पर आप बशीर अहमद कैप्टन, अली नसीर डिफरेंशियल रहेंगे। इनके अलावा अगर आप बॉलिंग ऑप्शन से ट्राई करो तो ये ज़्यादा बेहतर आपको कैप्टन और वाइस कप्तान दिखेंगे ग्रैंड लीग्स के टीम्स में। बाकी मेरे फाइनल अपडेटेड टीम्स के लिए टेलीग्राम के साथ जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। मिलते हैं मैच टाइम।